अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि बजट सेशन बजट पेश हुआ हरियाणा का, और हमारे बीच में सीनियर लीडर हैं जो कई बार विधायक भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं हरियाणा विधानसभा के, श्री अशोक अरोड़ा जी वर्तमान में INLD के स्टेट प्रेजिडेंट हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि बजट को वो किस दृष्टि से देखते हैं। अरोड़ा साहब, बजट को जो कल पेश हुआ है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? बजट केवल एक औपचारिकता रह गया। हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार कर्जा बढ़ाती जा रही है, घाटा बढ़ता जा रहा है। दावा तो किया जाता है कि हम बजट को विकास पे ले जाएंगे, परंतु जिस बजट का 28% हिस्सा रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट में जाता हो, आप उसको विकास कैसे सोच सकते हो? विकास तो केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। अरोड़ा साहब, जैसे कल मैंने स्पीकर साहब से भी बात की थी, आप भी स्पीकर रहे हो, तो वर्तमान सरकार में स्पीकर की क्या भूमिका है उसके बारे में बताओगे आप? देखो, स्पीकर का एक महत्व होता है, कोई भी सरकार हो विधानसभा का कस्टोडियन होता है, विधानसभा का अध्यक्ष। उसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष सब मेंबर बराबर होते हैं और उनको अपनी मर्यादा से अवसरना चाहिए। जैसे आप भी जब स्पीकर रहे होंगे, आपको भी हर स्पीकर पर एक ब्लेम लगता है कि वो विपक्ष वालों को टाइम नहीं देते, विधानसभा सर छोटा होता है, इसमें कहाँ तक वास्तविकता है कि स्पीकर का कितना अधिकार होता है इसके ऊपर, ये बताइए। देखिए, स्पीकर के सामने दिक्कतें तो आती हैं, परंतु इस विधानसभा में पहले बहुत ऐसे स्पीकर रहे हैं कि जो विपक्ष को यही समझते थे कि विपक्ष का कोई मेंबर है ही नहीं। इनका एटीट्यूड उनसे कुछ अच्छा है। अभी अरोड़ा साहब, सबसे पहले हिंदुस्तान की सबसे जो मेन न्यूज आ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने साफ सवा 3:30 बजे सुबह पाकिस्तान के ऊपर, और 300 टेररिस्ट भी मारे गए हैं। इस पर INLD क्या कहे, क्योंकि INLD भी एक देशभक्तों की पार्टी रही है, दाऊ देवीलाल जी की पार्टी रही है, तो इसमें आपकी और व्यक्तिगत और पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर, और पाकिस्तान को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आतंकवाद इस संसार से खत्म हो, और जो आतंकवादी हमारे शहीदों को आके शहीद कर जाते हैं, उनसे बदला लेने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश की सेना, देश की सरकार जो भी फैसला लेगी, INLD उनके साथ है, उनका स्वागत करें। जैसे कुछ देर पहले हरियाणा में भी शहीद हुए हैं, तो INLD की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल उनके घर में गया है रिवाड़ी? हमने जितने भी शहीद हुए हैं हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो हैं बाहर हैं, पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर उनके जाके आए। प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में थे श्री अशोक अरोड़ा जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा स्टेट के अध्यक्ष हैं, कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा।